मुझे पता था मम्मा आप मुझे सुन रहे हो ना। मम्मा बोलो, मम्मा मुझसे बात करो ना। मम्मा मम्मा कुछ तो बोलो। मम्मा मैं आपकी रावी, मुझसे बात करो ना मम्मा। मम्मा मुझसे बात करो ना मम्मा। डॉक्टर साहब मम्मा मुझसे बात। डॉक्टर अंकल मैं सच कह रहा हूँ। बेटा ऐसा कभी कभी होता है, मरीज जिसे बहुत ज्यादा प्यार करता है या जिससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होता है, उसकी प्रेजेंस, उसकी बातें सुनकर कभी कभी रिएक्ट करता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और ना ही मरीज इससे ज्यादा कुछ कर सकता है। लेकिन अगर हम बार बार ऐसा करेंगे तो कोमा के पेशेंट की तकलीफें और बढ़ सकती हैं। इसीलिए आप सब घर जाइए अब। डॉक्टर साहब क्या मैं परजाई जी से मिल सकती हूँ? क्या आप भी बच्चों की तरह बातें कर रही हैं? ओ जी मैं बच्चों जैसी नहीं, मैं ना बड़ों जैसी बातें करती हूँ। परजाई जी से ना मुझे एक बात पूछनी है जी। आपको पता नहीं है परजाई जी ना मेरे से बड़ी अटैच्ड है, मुझसे बड़ा ही प्यार करती है ना। वो इशारे से ना मुझे बता देगी कि घर की चाबियां कहाँ पड़ी है। पर चाबियां तो अस्पताल में आते ही उन्होंने मेरे हाथ में दे दी थी। राजी आपको? तो भाऊजी चाबी आपका हाथ में नहीं, रंजन सिन्हा का हाथ में आएगा। अरे आप तो ये मलाई खाने का सपना छोड़ ही दो, कहीं ऐसा ना हो मुंह के साथ साथ पेटवा भी जल जाए। ओ जी ये तो वो ही बात हुई ना, सेवा करे श्याम और मेवा खाए घनश्याम। हाय परजाई जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये चाबियां नौकरों को देंगे तो घर वालों पे क्या बीतेगी है। कोई बात नहीं जी, हमारी तो ना किस्मत ही फूटी है। जब भी कोई अच्छी चीज हाथ में आने वाली होती है ना तो कोई ना कोई आके झपट मार ही लेता है। और कोई नहीं तो जसबीर प्राजी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। हाँ। मैं यहाँ पर इतनी टेंशन में हूँ, परेशान हूँ और तुम टांगे पसार के आराम कर रहे हो। और कुछ आइडिया सोचो जी। हाँ आ गया। मुझे कौन? जसबीर प्राजी? ओ नहीं नहीं प्रीतो, आइडिया आइडिया। इतनी जल्दी? हाँ तो बोलो जी। वाह है ना चंगा आइडिया, इतना बकवास आइडिया, एकदम फुस्ती बम तुम्हारे जैसा। और प्रीतो मैं एक बात बताऊं तुझे, और तुझे है ना बम की पहचान ही नहीं है। इस बार ये बम फटेगा भी और काम भी करेगा, और बस तू ना एक बार हाँ कह दे। ओ जी मैं हाँ तो कर दूंगी, लेकिन ना तुम कुछ गड़बड़ मत करना जी। ओए कुछ गड़बड़ नहीं होगी प्रीतो, हाँ
और बस तू एक काम कर, घर का सामान समेटने के लिए ना एक बड़ा सा बैग ले ले। ओए क्योंकि रंजीत की प्लानिंग से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब देख तू, कमाल करता हूँ मैं, कमाल। हे वाई गुरु, तोड़े भरोसे मैंने हाथ तो कर दी। आपने इस बंदे का जरा ध्यान रखना। हाँ मेरे चाबी वाले जसवीर पराजी, जब इन अंडों पे बैठेंगे ना तो अंडे फटेंगे, फिर बाथरूम में जाके वो अपनी सफाई करेंगे और यहाँ पे मैं तिजोरी की। ओए अब तो मैं मोटरसाइकिल नहीं सीधा कार ही लूंगा। तो यार कोई सुन तो नहीं रहा है? ओए प्रीत, तो अब तू देख मेरा आइडिया ना क्या गुल खिलाता है। और आज के बाद ना तूने मुझे अपना गुरु नहीं माना तो कहना। ए वो एक बार ना फिर से चेक कर लेता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा? नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा। और रंजीत तू भी ना प्रीतो की तरह चंट हो गया है। ओए आओ जी, आराम से आराम से। देखो जसबीर भाई, बात तो बहुत दुख का है लेकिन अब दुनिया का काम काज तो नहीं ना रुकता है। पता नहीं पराजी अब क्या होगा। जसबीर भाई, आपको भले ही पता ना हो कि क्या होगा, लेकिन जिसको करना है उसको सब पता है कि क्या होगा और कैसे होगा। ओ भाई रंजन, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तू कहना क्या चाहता है? अरे जसबीर भाई देखो, अब पंजाबी में सड़ा मुंह थोड़ा कमजोर है, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि होनी जी होता है बहुत बलवान होता है। कहीं ऐसा ना हो आगे कुछ और बड़ा गड़बड़ हो जाए और हमको तो डर है कहीं इस घर के लोगों के हाथ में कटोरवा ना आ जाए। चुप करो मंजन, तू कहना क्या चाहता है? तू हमें यहाँ पे हमदर्दी दिखाने आया है या हमारे जले पे नमक छिड़कने आया है? अरे भैया तुम तो नाराज हो रहे हो, हम तो खाली तुमको सचेत कर रहे थे। अरे अब देखिए ना, भाभी जी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में कच्चे धागे से लटक रही हैं और उसके साथ में आप लोग भी लटक रहे हैं। अब आप ही बताइए, कहीं भाभी जी को कुछ हो गया तो ये घर कैसे बचेगा? नहीं बचेगा यार। ये मंजन का बच्चा बीच में कहां से आ गया है? तो क्या करूं इस मंजन का? तो दिल तो करता है इस मंजन को ना हथेली पे रख के ना दांत रगड़ दूं। ओ नहीं नहीं यार, ये वाला मंजन ना अच्छा नहीं है, दांत भी खराब हो सकते हैं इससे। रंजीत चाचू, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो ना अंदर, चलो ना। अरे चलो। रंजीत बता भाई कैसे आना हुआ? अंडे देखने के लिए। अंडे देखने? अब वो मेरे कहने का मतलब है, वो मैं तो ये सोच रहा था कि पहले अंडे आए या पहले मुर्गी। अरे रंजीत भाई, आपका सवाल बहुत सटीक है, लेकिन ये सवाल ऐसा सवाल है कि इस सवाल का जवाब देने में कई पीढ़ी निकल गए। अरे आप काहे अपना चोंच घुसा रहे हैं बीच में? अरे फैसला हो जाएगा आपस में अंडे और मुर्गी के बीच में, है? आप बैठिए आराम। अरे मंजन भाई। मंजन नहीं, रंजन, रंजन सिन्हा जूनियर इंजीनियर PWD। समझा? ओ भाई एक बात है, तू बात ना बड़े कमाल की करता है, वो एक ही झटके में ना अंडों का सफाया कर दिया तूने।
भाई एक बात बोलूं, तू ना बहुत सवाल पूछता है। अरे अब सवाल इतना बड़ा तो नहीं था कि अब टॉयलेट वही जाना भूल गए? ओ, ओ, ओ नहीं परा, वो बात नहीं है, मैं ना अंडों की लोकेशन भूल गया था। खैर जसवीर भाई अब हम भी चलते हैं, नहीं तो रंजीत भाई फिर से आ जाएंगे। पुत्र ऐसे आई तू ना और रविंदर पुत्र का ध्यान रख। परजाई जी के हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद रावी काफी दुखी हो गई है। तू ना उसके साथ हंसी मजाक करेगा ना, उसका मन हल्का हो जाएगा। ठीक है पापा जी। जब ना शाबाश पुत्र, शाबाश। ना मैं अपनी सोहनी कुड़ी दी चोटी में ना परांदा बांधूंगी। लेकिन आपके पास परांदा है कहाँ? अच्छा अपनी आंखें बंद कर, खोलना नहीं है। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं नहीं डरता। चल बाहर जाकर खेलते हैं। नहीं, पहले तो तुझे बाहर खेलना कितना अच्छा लगता था। पहले मम्मा भी तो साथ में थी ना। तुझे पता है आज क्या हुआ? आज ना रंजीत चाचू अंडों पे बैठ गए थे और उनकी पैंट पीछे से खराब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उनकी निकल गई। और तू वहां होती तो हंस हंस के तेरा पेट दर्द हो जाता। मजेदार कहानी सुनो, अगर तू सुनेगी तो हंस हंस के पागल हो जाएगी। तो सुन, एक बार एक आदमी ने मेरा मन नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दे, इसलिए तो कहता हूँ चल बाहर चलकर खेलते हैं और फिर पापे की दुकान में जाकर छोले भटूरे भी खाएंगे। बता कैसा लगा मेरा आइडिया? प्लीज रोहन, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं है ना। कौवा ना कितना भी नहा ले लेकिन वो हंस नहीं बन सकता। मैनू तो लगता है तुम पैदा ही ना काम बिगाड़ने के लिए हुए हो। मुझे कान खोल के सुन लो, अगर मेरे काम में टांग अड़ाई ना तो इसी पलंग से टांगे बांधूंगी और फिर पड़े रहना इसी पलंग पर। हाँ
अब ना प्रीतो को ही कुछ करना पड़ेगा, फिर देखती हूँ कौन आता है तेरे काम के बीच में। जसवीर जी, ये 20,000 रुपए कल्लू ने वापस किए हैं, परजाई जी से उसने उधार मांगे थे बेटे के इलाज के लिए, और हाँ परजाई जी ने ब्याज लेने से साफ मना कर दिया था, तो इसलिए उसने सिर्फ ये मूल रकम वापस की है। लीजिए, इसे रख लीजिए। मुनीम जी, आप क्या फटिया गए हो? अरे कुछ तो सोच समझ के बोला करिए। जब तक परजाई जी इस घर में नहीं आ जाती ना, इस घर का हिसाब किताब सिर्फ प्रीतो ही करेगी। हाँ, अरे बात यह है प्रीतो जी, जब परजाई जी यहाँ नहीं होती हैं, तो मैं हिसाब किताब सारा जसवीर जी के साथ ही करता हूँ, और आज तक यही तो होता रहा है जी। ओ जी, आज तक तो इस घर में बहुत सी चीजें नहीं हुई थी, तो क्या आगे भी नहीं होगी? हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जी, मैं तो बस ये कह रहा था। बस 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 मुनीम जी, मैं ना सब समझ चुकी हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, हाँ 3 बच्चों की माँ हूँ। और हाँ, एक बात ना गांठ बांध लो, और अगर वो भी ना बांध सको ना, तो अपने दिमाग में बिठा लो कि जब तक परजाई जी इस घर में ना आ जाती, इस घर के हिसाब किताब सारे फैसले प्रीतो ही करेगी, और प्रीतो जो कहेगी ना वही होगा इस घर में। हाँ क्यों जसबीर प्राजी? अरे आप बिल्कुल गलत कह रही हैं भौजी। रंजन प्राजी, आप ना इस घर के मेहमान हैं, और एक कप चाय भी पी चुके हैं, तो प्रणाम कीजिए और यहाँ से निकलिए। हाँ। बहुत जोर से हंस देंगे हम, एकदम पेट में दर्द हो गया मेरा। बस कीजिए, बस कीजिए। देखिए भौजी, लगता है आप जो है टीवी देखना एकदम छोड़ दिए हैं, नहीं तो ऐसे हमसे नहीं तड़ियाते हैं। उसमें रोज दिखाता है अतिथि देवो भवा, मतलब मेहमान भगवान होता है, और अगर आप भगवान के साथ ज्यादा बदतमीजी करेंगी तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। ओ जी रंजन प्राजी, ये ना मजाक का माहौल नहीं है, आप ना यहाँ से निकलिए। अरे मजाक का मूड में हम भी नहीं है आज, और जिस घर का छत के नीचे आप खड़ी होकर हमसे अकड़ कर बात कर रही हैं, वो घर का मालिक है हम मालिक। और अब इस रविंदर भवन में ऊ रहेगा जिसको हम चाहेंगे। देखो रंजन प्राजी, आप सबका टाइम खराब कर रहे हो, हैं? अब आप ना निकल जाइए यहाँ से, वरना आपकी आखिरी बस भी छूट जाएगी। हाँ, अरे हम इस घर से जाने नहीं, यहाँ टिकने आए हैं। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर हमारे साथ और बदतमीजी किया तो आपको अभी फौरन यहाँ से बाहर फिकवा देंगे। ओए रंजन सिन्हा, मुंह बंद रख, ज्यादा बकवास ना करी। ओ हम लोग चुप हैं तो तुम क्या हमारे घर में हमारी बेइज्जती करोगे? सरपंच जी जब जिंदा थे तो ई रविंदर भवन का पावर ऑफ टर्नी हमारा नाम लिख के गए थे। और उसमें लिखा है कि अगर अमृता भाभी को कुछ हो गया तो ई रविंदर भवन और रविंदर का जिम्मेदारी हमारा है। और अभी भी आकर तुमको यकीन नहीं आ रहा है तो ई देखो पेपरवा। ई देखो,
भी घर हमरा है और हमने फैसला किया है कि तुम सबको ये घर खाली करना होगा। उदित केवल एक जोड़ी कपड़ा में।